हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सुमित, आपने तो पहचाना होगा। मैंने आवाज़ें सीखी बहुत सारी, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं मिला, तो उससे मैं कोई दुखी नहीं हूँ। लेकिन नेचर ने मुझे इतनी बढ़िया आवाज़ दी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी मानता हूँ कि मुझे नेचर में कुछ काम करना पड़ता है, मतलब पेड़ को बचाना या पंछियों को बचाना, पंछियों के साथ बातें करना, ये मुझे बहुत ही बहुत पसंद है। तो इसीलिए ये कला होकर भी मैं बहुत खुश हूँ। तो काम हो या ना हो, अपना मन तो शांत रहना चाहिए, आप मेरा तो यही कहना है। तो आपको मेरी आवाज़ सीखने का राज बता देता हूँ। जब मैं बचपन में बकरियाँ हंकने के लिए जाता था, लेकिन मैं तो उस क्लास में जाकर मैं पढ़ाई करता था, और दोपहर के समय 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती तो मैं अपनी बकरी को लेके जाता था। तो ये बात हुई मेरे साथ, मतलब किसी भी बकरी को मैं आवाज़ देता था तो वो मेरे पास आ जाती थी। इतना मज़ा आता था बचपन में। और कभी भी बारिश हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या करता था मैं, अपने बफेलो के पीठ पर बैठ कर बहुत मज़े से घर चला जाता था। मतलब कितने भी बाढ़ आने तो वो मज़ा ले लेके मैं वो सीख गया। और आपको बता देता हूँ, मतलब बफेलो में जो मेल होता है उसकी आवाज़ निकाली मैंने, तब तो बहुत मज़ा आया था। वो दौड़ दौड़ के भैंसे मेरे पास आने लगी और मुझसे झगड़ा करने लगी, मतलब मेरे पीछे लगने लगी। मैं भी भागा डर के मारे कि भाई ये भैंसे मुझे मार तो नहीं देंगी, और डर लगा पहले पहले। तभी से मैंने आवाज़ सीखनी चालू कर दी। और उसके बाद मैं बचपन में मुर्गों को खाना खिलाता था, तो क्या हुआ, जब भी मैं मतलब सावन का महीना आता था तो सावन के महीने में मैं बाहर सोता था, मतलब घर के बरामदे में वगैरह। तो इंटरेस्टिंग ये होता था कि मैं जब भी सोया तो सुबह सुबह उनको मुर्गों को उठना पड़ता है, और वो भाग देते हैं, सबको उठाते हैं, तो सबसे पहले मुझे उठा देते हैं। ये बता, मेरे पैर पे मारते थे और चोच लगा के मेरे को मारकर उठाते, और फिर मैं और वो दोनों हम पूरे गांव को या मोहल्ले को उठा देते। मतलब कैसे, ऐसे। तो यह क्या हुआ, उसमें भी जो ऊंचा बड़ी आवाज़ निकालता है मुर्गा, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब उनके इसमें आपको किधर भी प्रतिनिधित्व निभाना होता है तो जो दमदार आवाज़ वाला होता है उसको ही सब आगे लेते हैं। इसलिए जो मुर्गा सबसे आगे आएगा वही दमदार होता है। और किसी मुर्गे को पसंद नहीं था, मतलब मेरे से बड़ी आवाज़ निकालने वाला कोई मुर्गा होना नहीं चाहिए, और मैं उससे भी बड़ी आवाज़ निकालता था। तो वो मुर्गा मुझ पर बहुत चिढ़ जाता था और मुझे चोंच मारता था, मेरे ऊपर ऐसे वो कूदता था चोंच लगा के, ऐसे बहुत सारा। और ये मज़ा लिया मैंने, ये देख, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं मेरे लाइफ में, और मैं बताते रहूँगा आपको इंटरेस्टिंग किस्से। मैं बचपन में क्रैप्स पकड़ने के लिए जाता था, मतलब पता होगा आपको केकड़े वगैरह, वो बहुत ही मस्त होते, मतलब कोई भी हो या कुछ भी, तो उस पर रामबन उपाय बोलते थे। मैं बचपन में जाता था, कोई भी नाले, मतलब जो हमारे गांव में होते हैं नदी तालाब, तो उसके अंदर पत्थर होते हैं या खड्डे होते हैं, मतलब उनके घर होते हैं वो, और मैं हर घर में हाथ डालता था डायरेक्ट अंदर बहुत, और वो पकड़ के ऊपर लाता था। तो बहुत सारे क्रैप, लेकिन ये सीख पाया हूँ कि हर किसी को खुद के बचाव के लिए ये सब करना पड़ता है। तो हम ऐसे, मतलब इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहे। कभी कभी तो सांप भी निकला उसमें से, उस बिल में से, या कभी उसमें मेंढक बैठता था,
एक बार तो ऐसा हुआ कि वो मैंने अंदर हाथ डाला, मेरे को लगा कि वहाँ पे मछली होगी, तो बहुत ही लंबा से लंबा, इतना इतना लंबा सांप निकला उधर से। बहुत टेंशन आया, मुझे लगा कि वो काटेगा वगैरह, लेकिन सांप ज़्यादा से ज़्यादा काटते नहीं, बारिश मतलब पानी में काटता नहीं कोई भी सांप, ये बात मैं सुना था, कुछ भी नहीं किया। और मेरे दादा भी थे, वो आँखों से अंधे थे, लेकिन सांप या केकड़े मच्छी पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनको कुछ दिखता नहीं, लेकिन मच्छी को वो छोड़ते नहीं, तो ये बातें थी। और बाद में मैं छत्ता वगैरह निकालने लगा था, मतलब पेड़ों के ऊपर जाने का, जो छोटी छोटी टहनी होती है उस पर बहुत सारे छत्ते लग जाते हैं, बहुत मक्खियाँ होती हैं, उन्होंने मुझे बहुत काटा भी था। एक बार क्या हुआ आपको बताता हूँ, बचपन में मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के बीच में ही मैं छत्ता निकालने गया था, तो उन्होंने काटा मुझे, तो काटे के बाद यहाँ पे ये मेरा होंठ है, बहुत सूजा था, इतना बड़ा सूजा ही थी उस पर, तो सूजाने के बाद मुझे शर्म आने लगी कि भाई मैं एग्ज़ाम में कैसे जाऊँ, फिर जाना तो पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाएंगे हम, इसलिए मैं गया। मक्खी काटने का जो दर्द हुआ वो बहुत ही मज़ेदार था, मतलब उगली जैसा दर्द होता था थी। एक्चुअली लोग बोलते हैं, अभी मैं सिटी में आया तो वो सब लोगों ने बताया कि मच्छी काटना एक धनुर्वात जो है उसका एक इंजेक्शन होता है, उसके बराबर होता है मच्छी काटना, वो मच्छी मतलब मक्खी काटना। मेरी बातें इतने ध्यान पर मत लीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी अभी मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ और आपके साथ ही मैं ये शेयर करता रहूँगा। मेरी ये वीडियोस, मेरे पास बहुत सारी आवाज़ें हैं अनोखी अनोखी, मतलब मच्छर की आवाज़ है, कीड़े की आवाज़ है, भूंगे की आवाज़ है, भौरा वगैरह होता है वो सब, या इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, गिटार है, शहनाई है, तुतारी है, 300 आवाज़ें मेरे पास है, लेकिन अभी मेरे पास काम वो ही नहीं है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी ये नहीं होता। मैं आवाज़ में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी ये बातें, मेरी लाइफ आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो ज़रूर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, और कुछ भी पर लाइक कीजिए, चलो लाइक।